दोस्तों, प्रिंटिंग इंक कलर्ड लिक्विड या पेस्ट है जिसको इमेज कैरियर से सॉफ्टवेयर पर इमेज को ट्रांसफर एंड रिप्रोड्यूस के लिए प्रिपेयर किया जाता है। दोस्तों, अलग अलग प्रिंटिंग प्रोसेस जैसे लेटर प्रेस, ऑफसेट, फ्लेक्सोग्राफी, क्रिप्योर, स्क्रीन प्रिंट, डिजिटल प्रिंटिंग आदि के लिए अलग अलग प्रिंटिंग इंक यूज की जाती है। जैसे लेटर प्रेस, ऑफसेट और स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए पेस्ट इंक का यूज होता है जो बहुत अधिक टैकी होती है, पर लेटर प्रेस की इंक वाटर बेस एंड ऑफसेट की इंक ऑयल बेस होती है। वहीं ग्रिप्योर एंड फ्लेक्सो प्रिंटिंग की इंक लिक्विड होती है और इसका टैग बहुत कम होता है या सॉल्वेंट बेस इंक होती है। दोस्तों, इस वीडियो में ओनली ग्रिप्योर प्रिंटिंग इंक पर ही बात करेंगे। दोस्तों, ग्रिप्योर प्रिंटिंग इंडस्ट्री वर्क इन टू सेक्टर। पहला, पब्लिकेशन ग्रिप्योर प्रिंटिंग जो लॉन्ग रन मैगजीन आदि का प्रोडक्शन करते हैं। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल पैकेजिंग जिसका यूज आज बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज मैक्सिमम फूड, कॉस्मेटिक एंड हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट फ्लेक्सिबल पैकेट में पैक होकर मार्केट में उपलब्ध हैं, जिससे प्रोडक्ट अधिक दिन तक यूज किया जा सकता है। इस प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी अधिक हो जाती है। प्रोडक्ट को पैकिंग करके अधिक दिनों तक फ्रेश रखा जा सकता है, जिसपे BRC, ब्रिटिश रिटेल कंसोर्टियम और IFSH, इंस्टीट्यूट ऑफ फूड सेफ्टी एंड हेल्थ जैसे ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू इसे और अधिक लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रखे जाने पर रिसर्च करते रहते हैं। तो दोस्तों, ग्रिप्योर इंक लिक्विड इंक होती है जो इवेपोरेशन प्रिंसिपल पर ड्राई होती है। दोस्तों, प्रिंटिंग इंक फ्लो ड्राइंग प्रिंसिपल पर ड्राई होती है। पहला, ऑब्जर्वेशन या पेनिट्रेशन। दूसरा, इवेपोरेशन। तीसरा, ऑक्सीडेशन। चौथा, प्रेसिपिटेशन, जिसका हम एक अलग से वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, ग्रिप्योर प्रिंटिंग इंक 3 इंग्रेडिएंट का मिक्सचर है, जिसमें पिगमेंट, वहीकिल जिसको बाइंडर भी कहते हैं, वहीकिल में रेजिन और सॉल्वेंट होता है, और तीसरा इंग्रेडिएंट्स एडिटिव है। जो इंक में पिगमेंट 8-15% होता है, रेजिन 12-20% होता है, सॉल्वेंट 60-70% होता है, एडिटिव 0.5-5% तक होता है। दोस्तों, पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट इंक को कलर देता है। इसी पिगमेंट से ही इंक को कलर मिलता है। पिगमेंट इंक को कलर के साथ साथ ह्यू यानी शेड स्ट्रेंथ प्रदान करता है और इसके फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे इंक फ्लो, इंक ओपेसिटी, इंक ट्रांसपेरेंसी, फास्टनेस, ब्लेंडिंग रेजिस्टेंस आदि को प्रभावित करता है। वेरियस प्रॉपर्टी लाइक लाइट फास्टनेस, सॉफ्ट रेजिस्टेंस आदि पिगमेंट पर ही डिपेंड होता है। दोस्तों, पिगमेंट दो तरह के होते हैं, ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट। ओपेक पिगमेंट अपनी सतह से लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए ओपेक कलर पिगमेंट उस सरफेस को ढक सकते हैं, उस सरफेस को छिपा सकते हैं जिस सब्जेक्ट पर या प्रिंट होते हैं, जबकि ट्रांसपेरेंट कलर पिगमेंट लाइट को अपनी सरफेस के पार जाने की अनुमति देता है, जिससे उस तरह के पिगमेंट में कलर के पीछे का सब्जेक्ट का सरफेस भी दिखता है। इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों तरह के पिगमेंट शामिल हैं। इनऑर्गेनिक पिगमेंट जनरली इनऑर्गेनिक सॉल्ट या मिनरल का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, या केवल ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, सल्फाइड, सिलिकेट, सल्फेट कार्बोनेट बेस्ड होता है। इसमें कार्बन ब्लैक 7 पिगमेंट है जिसका काफी हद तक यूज किया जाता है। इसका यूज न्यूज़पेपर, पब्लिकेशन एंड पैकेजिंग प्रिंटिंग इंक में किया जाता है, इसीलिए इसका यूज अधिक मात्रा में किया जाता है। कार्बन ब्लैक के डिफरेंट ग्रेड, डिफरेंट पार्टिकल साइज, सरफेस कंडीशन एंड स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट इसके एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। इसके साथ टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड आदि ओपेक व्हाइट इनऑर्गेनिक पिगमेंट का कॉमनली यूज किया जाता है, तथा एल्युमिनियम हाइड्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, अक्षेपित ब्रोमाइड, सल्फाइड, ट्रांसपेरेंट व्हाइट इनऑर्गेनिक पिगमेंट हैं। ट्रांसपेरेंट व्हाइट पिगमेंट को स्टैंडर्ड के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसका यूज इंक की स्ट्रेंथ को कम करने के साथ साथ इंक को डिस्पर्सन एंड फ्लो मॉडिफाई करने में भी यूज किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ इनऑर्गेनिक पिगमेंट इस तरह है, येलो बिस्मथ वैनेडियम एंड लेड क्रोमेट, ऑरेंज बिस्मथ ऑरिहेलाइड, ग्रीन क्रोम ऑक्साइड, रेड आयरन ऑक्साइड, ब्लू क्यूप्रिक कार्बोनेट हाइड्रा ऑक्साइड आदि हैं। इसके साथ साथ मेटेलिक इंक के लिए मेटल पाउडर का पिगमेंट यूज करते हैं, सिल्वर के लिए एल्युमिनियम पाउडर और गोल्ड के लिए कॉपर जिंक एलॉय पाउडर, कांस पाउडर या कॉपर पाउडर का यूज करते हैं। और दोस्तों, ऑर्गेनिक कलर पिगमेंट में हाई कलर स्ट्रेंथ,
प्योर सेट एंड ट्रांसपेरेंसी का विशेष गुण होता है। प्रिंटिंग इंक इंडस्ट्री किसी भी अन्य उद्योग के तुलना में अधिक ऑर्गेनिक पिगमेंट का यूज होता है। प्रिंटिंग इंक के लिए लगभग 100 ऑर्गेनिक पिगमेंट सुटेबल हैं। इसमें अधिकांश पिगमेंट एजो, एथोक्विनोन, टैनिल मेथिन डाई, थालोसायनाइन, वाइट डाई से प्रिपेयर किया जाता है। कुछ ऑर्गेनिक पिगमेंट इस प्रकार हैं: रेड लीथल, टोलोडाइन डेरिवेटिव, ऑरेंज प्राजोलोन, येलो एडिजो, डिनिटोनी लाइव ग्रीन, थालोसायनाइन ब्लू, इंडेथ्रीन, थालोसायनाइन ब्लू वायलेट, डाइऑक्साजीन, बेंजीमिडाजोलोन आदि इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पिगमेंट का यूज प्रिंटिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। दोस्तों, इनका सेकेंड इंग्रेडिएंट वेहिकल होता है। वेहिकल रेजिन एंड सॉल्वेंट का सॉल्यूशन होता है। रेजिन पिगमेंट को एक साथ बाइंड करता है और साथ ही प्रिंटेड सरफेस पर भी बाइंड करता है। सॉल्वेंट इंक की फ्लो और ड्राइंग की दर को मेंटेन करता है, जिससे इंक की फ्लोडिटी कंट्रोल में रहे। इंक ट्रे से सिलेंडर से सब्सट्रेट पर इजीली ट्रांसफर हो सके। तो दोस्तों, वेहिकल इंक के मिक्सचर में एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा अवयव है जो पिगमेंट को अपने अंदर घोलता है और इसको इंक ट्रे से इमेज कैरियर से इजीली सब्सट्रेट तक पहुंचाता है। सब्सट्रेट पर पिगमेंट को बाइंड करके अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेता है। पैकेजिंग और प्रिंटिंग इंक में एस्टर एंड एल्कोहल सॉल्वेंट का यूज किया जाता है। डिफरेंट पैकेजिंग सब्सट्रेट के आधार पर रेजिन का यूज करते हैं। पॉलीयूरेथीन, नाइट्रस सेलुलोज, पॉलीएमाइड, मैलिक रेजिन, एक्रेलिक रेजिन एंड पॉलीमर मिक्स्ड विनाइल क्लोराइड, विनाइल एसीटेट, विनाइल एल्कोहल आदि कुछ रेजिनों के नाम हैं। इन्हीं रेजिन के आधार पर पैकेजिंग ग्रिप्योर इंक का क्लासिफाइड किया जा सकता है, जो मुख्यतः इस प्रकार है। पहला, पॉलीयूरेथीन रेजिन से पीयू बेस इंक बनती है। इसमें सॉल्वेंट यमिके, टोल्बिन और आईपीए क्रमशः 40-40-20 के रेशियो में यूज करते हैं। पीयू इंक में एक्सलेंट प्रिंटेबिलिटी गुड होता है। इसका एडिशन किसी भी सब्सट्रेट के लिए बहुत अच्छा होता है। यह हाई स्पीड प्रिंटिंग इंक है और इसका लेमिनेशन बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा होता है। और इसको सॉल्वेंट के यूज के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं: टोल्बिन फ्री पीयू बेस इंक, टोल्बिन एंड एमीके फ्री पीयू बेस इंक, टोल्बिन एंड एमीके बेस पीयू बेस इंक। दूसरा, नाइट्रेट सेलुलोज रेजिन से एनसी बेस इंक बनती है। इसमें सॉल्वेंट एथाइल एंड आईपीए 50-50% यूज करते हैं या पेपर प्रिंट के लिए सुटेबल होता है। तीसरा, विनाइल एसीटेट रेजिन को विनाइल बेस इंक कहते हैं। इसमें टोल्बिन, एथाइल और एमआईबी के 40-40-20 के रेशियो में सॉल्वेंट यूज करते हैं। इसको पॉलिस्टर इंक भी कहते हैं, क्योंकि यह केवल पॉलिस्टर के लिए सुटेबल इंक है, पर इसमें 0.5-5% एडिटिव मिक्स करके बीओ पेपर पर भी यूज कर सकते हैं। चौथा, एक्रेलिक रेजिन से एक्रेलिक बेस इंक बनती है, जिसका यूज पीवीसी और श्रिंकेट पेट के लिए सुटेबल है। इसमें टोल्बिन प्लस एथाइल प्लस आईपीए प्लस बीए 40-30-20 और 10 के रेशियो में यूज करते हैं। पांचवा, पॉलीएमाइड रेजिन से बनी इंक को पॉलीएमाइड बेस इंक कहते हैं। इसमें टोल्बिन और आईपीए 90 और 10 के रेशियो में यूज करते हैं। यह सरफेस प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है। ये पेलाइट बीओपीपी, पॉलिस्टर बीओपीपी, पीपी आदि के लिए सुटेबल इंक है। दोस्तों, इसके साथ वाटर बेस इंक का भी आज बहुत यूज होने लगा है, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। तो दोस्तों, व्हीकल में रेजिन और सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट इंक की विस्कोसिटी और ड्राइंग रेट को कंट्रोल करता है। सॉल्वेंट ऐसे लिक्विड है जो फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल स्टेट में चेंज किए बिना किसी अन्य पदार्थ को घोलने में सक्षम होते हैं। यह थिनर का भी काम करता है। यह इंक की विस्कोसिटी को रिड्यूस करता है। ग्रिप्योर पैकेजिंग इंक में यूज होने वाले कुछ सॉल्वेंट इस प्रकार है: यमीके, मिथाइल एथाइल कीटोन, आईपीए, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, एथाइल एसीटेट, टोल्बिन, NBA नियोब्यूटाइल एसीटेट, NPA नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, NPAC नॉर्मल प्रोपिल एसीटेट, सेलोसॉल्व जिसको एथिल सेलुलोज कहते हैं, डोनल PM प्रोपिलीन ग्लाइकोल मेथिल ईथर एसीटेट। दोस्तों, ग्रिप्योर प्रिंटिंग इंक में तीसरा इंग्रेडिएंट एडिटिव होता है। एडिटिव का यूज इंक में स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक प्रदान करने के लिए यूज
किया जाता है। इसके लिए आवश्यक इंग्रेडिएंट की संख्या बहुत अधिक है, जैसे ड्रायर्स, वैक्स, प्लास्टिसाइजर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी ब्लॉकिंग, एंटी फोमिंग, ऑप्टिकल ब्राइटनर, लीविंग एजेंट, हार्डनर, स्लिप एजेंट, क्योरिंग एजेंट आदि। इसके साथ साथ बहुत सारी स्पेशल इफेक्टिंग होती हैं इस और बहुत सारे ओवरकोट का यूज होता है, जिसका हम अलग से वीडियो पर बात करेंगे। दोस्तों, ग्रेवियर प्रिंटिंग इंक में प्रिंटिंग के आधार पर इंक को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, सरफेस प्रिंटिंग इंक एंड रिवर्स प्रिंटिंग इंक। सरफेस प्रिंटिंग इंक में वैक्स मिश्रित होती है जो इंक को रब, खरोच आदि रेजिस्टेंस बनाती है। इस तरह के प्रिंटिंग इंक में अच्छी चमक भी होती है। कभी कभी प्रिंटिंग में अधिक चमक और रब रेजिस्टेंस के लिए पेपर आदि सब्सट्रेट पर वैक्स या यूवी आदि का ओवरकोट किया जाता है। रिवर्स प्रिंटिंग इंक, जिसको लेमिनेशन इंक भी बोलते हैं, लेमिनेशन दो या दो से अधिक सब्सट्रेट को मिलाकर एक टॉट पैकेजिंग सब्सट्रेट बनाने की प्रक्रिया है, जो प्रोडक्ट को बैरियर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लेमिनेशन के लिए एडेसिव, जिसे एडेसिव लेमिनेशन, या पिघले हुए प्लास्टिक, जिसे स्टूजन लेमिनेशन कहते हैं, का यूज सब्सट्रेट को एक साथ लेमिनेट करने के लिए किया जाता है। लेमिनेशन इंक में चमक की आवश्यकता नहीं होती है, बट दे डू रिक्वायर एक्सीलेंट बॉन्डिंग एबिलिटी टू इंश्योर दैट द लेमिनेशन स्ट्रक्चर इज नॉट कॉम्प्रोमाइज आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। इसमें वैक्स आदि का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये लेमिनेशन बॉन्डिंग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। रिवर्स प्रिंटिंग इंक प्रिंटिंग एंड लेमिनेशन सब्सट्रेट के बीच में सैंडविच किया जाता है, जो ना ही प्रोडक्ट और ना ही किसी अन्य वस्तु के संपर्क में आते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब से जरूर करें।